फारूक हुसैन ने किसी एक लेडी का फ्लैट कब्जा कर रखा है और तो और वो उस लेडी के साथ आज बहुत ही बदतमीजी से भी पेश आए हैं। इसी वजह से कांग्रेस की लीडर उज्मा शाकिर ने कहा है एमएलसी फारूक हुसैन अपने इस ओहदे पर रहकर ना किसी का फ्लैट कब्जा कर सकते हैं और ना ही किसी एक लेडी के साथ इस तरीके से बदतमीजी से पेश आ सकते हैं। इसीलिए एमएलसी फारूक हुसैन को उनके ओहदे से हटा देना चाहिए। आइए इसी की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। एमएलसी है फारूक हुसैन और उसके एमएलसी के इख्तियार में भूल गए हैं कि एक औरत से किस तरह बात की जाती है, जबकि एमएलसी फारूक हुसैन गलत है, जबरदस्ती उस औरत के फ्लैट पे कब्जा कर बैठे हैं, किराया भी नहीं दे रहे हैं। मेरी ये डिमांड है एमएलसी फारूक हुसैन को कि उस औरत से माफी मांगे और मौजूदा हुकूमत से ये डिमांड है कि फारूक हुसैन एमएलसी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको पार्टी और एमएलसी की पोजीशन से बर्खास्त किया जाए। शुक्रिया। रिकॉर्ड हुई है उसके अपार्टमेंट की, ये फ्लैट की, आप जाके जहाँ कार भी करना है कर लो। हाँ, खाली खड़ा मेरा जो। हाँ, मैं चीफ मिनिस्टर कने मीडिया में भी जाऊंगी। हाँ? चीफ मिनिस्टर कने भी जाऊंगी। कहीं भी जाओ। हाँ, कहीं भी जाओ। हाँ, ये तो कोई बात ही नहीं है। आप जैसे लोग ये हुकूमत कर रही, आप जैसे लोगों को ऐसा, मेरे रिश्तेदार को बड़ी गलती करी, मेरे रिश्तेदारों को मैं आप जिम्मे दी, आप जैसे लोगों को आप रखे सो मालूम, आप जो कुछ कर, हाँ, जो कुछ करते हैं आपको शर्म आना चाहिए। जो आप जाना देखिए, आप अमेरिका का पासपोर्ट है, अभी मैं क्यों बोल रहा या जेल में चलाया तो समझ रही क्या जेल में जेब में आप जरा आप औरतों के पास हाथ उठाते हैं आप सबसे पहले जरा उससे तमीज से बात करिए। इसी के साथ मैं सैयदा नाहिदा खादरी एनआरके 24 न्यूज से इसी तरह मैं आपको सच्चाई दिखाती रहूंगी। मेरे अगले न्यूज का इंतजार करिए। मेरे इस न्यूज के पेज को लाइक करिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।